इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे रेसिस्टेंस एंड रेसिस्टिविटी। तो इसको समझने के लिए पहले अपने जितने घर में होम अप्लायंस हैं, डोमेस्टिक होम अप्लायंस हैं, उनको समझते हैं पहले। तो अगर आपके घर में एसी है, एयर कंडीशनर, ठीक है, उसकी वायर की थिकनेस देखो, ठीक, और किस तरह का वायर है, वो जो वायर जो उसमें है एसी का जो वायर है वो किस तरह का है, किस मटेरियल का है, बेसिकली थिकनेस और मटेरियल, ठीक है। रेफ्रिजरेटर, उसकी थिकनेस, रेफ्रिजरेटर के वायर का और मटेरियल क्या है, ठीक। उसके बाद माइक्रोवेव ओवन, माइक्रोवेव ओवन उसकी थिकनेस वायर की, है ना, तो वो प्लग से पता लग जाएगी, जो प्लग है वो कितना, और उसके प्लग में जो माइक्रोवेव ओवन है उसका प्लग देखना, उसमें करंट की रेटिंग भी लिखी होगी। फिर देखना फैन का, सीलिंग फैन का, फिर देखना जो एलईडी बल्ब है, ठीक है, उसके वायर की थिकनेस, ठीक। और जो टर्मिनल हैं, जैसे कि टीवी का टर्मिनल है, एसी का टर्मिनल है, तो टर्मिनल के साइज़ भी बड़े बड़े हैं, है ना। जो बोर्ड देखोगे जिस पे आप कनेक्ट करते हैं प्लग वगैरह, तो जो हैवी हैं, जैसे कि एसी का चलाना है या आपको चलाना है आयरन प्रेस करने के लिए, कपड़ों पे प्रेस करने के लिए, उसका अलग बना हुआ है सॉकेट, ठीक। तो इस तरह के जो हैवी वाले हैं वो कुछ अलग हैं और वो बड़े हैं, ठीक है। तो वो बड़े क्यों हैं, उनका वायर जो है उनकी थिकनेस ज़्यादा क्यों है, जो इस तरह के जो हैं एसी, रेफ्रिजरेटर, माइक्रोवेव ओवन या आपका आयरन, है ना, आयरन यूज़ करते हैं प्रेस करने के लिए, तो इनके जो एक तरह से जो सॉकेट हैं वो बड़े क्यों होते हैं, और जो वायर की थिकनेस ज़्यादा क्यों होती है, और जनरली कॉपर के क्यों होते हैं। अब आपने अगर घर पे सुना हो गर्मियों के टाइम में कॉपर वाइंडिंग मोटर की, जो आपका कूलर है घर पे उसकी कॉपर वाइंडिंग, एल्यूमिनियम वाइंडिंग, ठीक है, तो एल्यूमिनियम वाइंडिंग जो मोटर की है उसको भी यूज़ करते हैं, कॉपर वाइंडिंग भी यूज़ करते हैं। कॉपर वाइंडिंग का अच्छा माना जाता है, जो कॉपर वाइंडिंग का है जो मोटर है वो अच्छा माना जाता है कंपेयर टू एल्यूमिनियम वाइंडिंग के। तो जितने भी सस्ते सस्ते कूलर हैं उन सब में एल्यूमिनियम वाइंडिंग है, जो अच्छे कूलर हैं कंपनी के हैं, रेपुटेटेड कंपनी के हैं, सब वो कॉपर वाइंडिंग देते हैं, ठीक। तो इस तरह का क्यों है, तो ये बेसिकली सब जो है ये रिलेटेड है रेसिस्टेंस है। जितना ज़्यादा थिकनेस होगी वायर की उतना ही रेसिस्टेंस कम होगा, ठीक है। ऐसे ही मटेरियल पे आ जाओ, कॉपर वाइंडिंग का जो रेसिस्टेंस है वो कम है, कॉपर का रेसिस्टेंस कम है, एल्यूमिनियम का रेसिस्टेंस ज़्यादा है, ठीक है ना। तो एल्यूमिनियम जो मटेरियल, ये मटेरियल डिपेंडेंट है दोनों चीज़ें, तो इसका रेसिस्टेंस ज़्यादा है तो जो मोटर है वो ज़्यादा हीट होता है, ठीक है, और जो इलेक्ट्रिक एनर्जी को, जो विंड एनर्जी है या इस तरह मैकेनिकल एनर्जी बोलो, उसमें कम कन्वर्ट कर पाता है, क्योंकि जो उसकी एनर्जी का जो लॉस है वो हीट से ज़्यादा होता है, ठीक है ना। एलईडी बल्ब के वायर बहुत कम करंट लेता है, तो उसके जो वायर की जो थिकनेस है वो बहुत मतलब पतले वायर हैं, है ना, थिन वायर हैं। ऐसे ही फैन का, जो सीलिंग फैन का है वो 60 to 80 वाट लेता है, सही है, 60 to 80 वाट के हैं। ये जो एलईडी बल्ब हैं आपके 20 वाट तक का मान लेते हैं, ठीक है, और ये जो हैं इनका देखो 1 किलोवाट से लेके, ठीक है, 5 किलोवाट। एसी का, डेटन का एसी है, पता नहीं कितना लेता है, उसको देखना पड़ेगा, तो है इसी रेंज में लगभग। माइक्रोवेव ओवन इस तरह के हैं। तो अब यहाँ पर रेसिस्टेंस को देखते हैं कि जो रेसिस्टेंस का प्रोपोर्शनल है ना, प्रोपोर्शनल है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, तो थिकनेस जो है वायर की थिकनेस वो क्या है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, ठीक है। जिस अगर वायर की थिकनेस ज़्यादा है, सॉकेट बड़ा सॉकेट है ना, तो वायर की थिकनेस ज़्यादा है तो रेजिस्टेंस कम होगा, तो 1 डिवाइड बाई थिकनेस। तो थिकनेस क्या है, बेसिकली उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया, ठीक है। तो वायर है इस तरह का, तो जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है, क्रॉस सेक्शनल एरिया है मतलब इस तरह का, अगर मैं इसको क्रॉस कर दूँ तो ये इस तरह का बनेगा, तो इसका जो एरिया है वो है थिकनेस, तो थिकनेस को मैं ए से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। रेसिस्टेंस प्रोपोर्शनल है रेसिस्टिविटी के। अब कॉपर वाइंडिंग और एल्यूमिनियम वाइंडिंग, सही है, तो कॉपर वायर और एल्यूमिनियम वायर, तो जितने भी बढ़िया कंपनी के कुछ भी चीज़ ब्रांडेड कंपनी का लोगे तो सब वो कॉपर में मिलेगा, उससे क्या है उसकी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी आती है। परफॉर्मेंस अच्छी आती है तो इसका मतलब क्या है, जो एनर्जी है, इलेक्ट्रिक एनर्जी जो आप दे रहे हो वो हीट में
जो उसका कंज्यूमशन, जो हीट में जो उसकी डेसिपेशन है ना, जो लॉस है इलेक्ट्रिक एनर्जी का, वो कम होता है। तो मैक्सिमम उसका यूज़ होता है दूसरी मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करने के लिए, चाहे वो फ़ैन हो, चाहे वो आपका एसी हो, चाहे रेफ्रिजरेटर हो, सही है, चाहे वो लाइट हो, तो इस तरह के। तो इसका मतलब है जो रेसिस्टिविटी है उसके प्रोपोर्शनल है। रेसिस्टिविटी, तो रेसिस्टिविटी क्या है, बेसिकली हर एक मटेरियल की अपनी प्रॉपर्टी है, ठीक है, हर एक मटेरियल की। तो कॉपर की अलग है, एल्यूमिनियम की अलग है रेसिस्टिविटी। तो रेसिस्टिविटी क्या है, जो रेसिस्टेंस, जो प्रॉपर्टी है उसका, रेसिस्टेंस करने की, करंट को अपोज करने की, वो प्रॉपर्टी मटेरियल वाइज डिपेंड करती है। तीसरा आर जो है प्रोपोर्शनल है लेंथ के। अगर आप वायर की आप लेंथ बढ़ाओगे, सही है, ये है एक वायर और एक वायर इससे बड़ा है, सेम थिकनेस का, सेम मटेरियल का, ठीक है, तो इसका जो रेसिस्टेंस है, इस वाले वायर का जो रेसिस्टेंस है, ठीक, वो इस वायर से ज़्यादा होगा। तो कहने का मतलब है अगर आप वायर की लेंथ बढ़ाओगे तो रेसिस्टेंस बढ़ेगा, तो इसका मतलब है लेंथ ऑफ द वायर, लेंथ ऑफ द वायर, ठीक। अब इसका एग्जाम्पल भी मैं इसको डेमोन्स्ट्रेट करेंगे, ठीक, वायर की लेंथ बढ़ने से कैसे रेसिस्टेंस, जो सॉरी जो रेसिस्टेंस बढ़ता है, ठीक है, तो रेसिस्टेंस बढ़ेगा तो इसका मतलब क्या है, जो वोल्टेज का जो लॉसेस है ना, जो एनर्जी लॉसेस है, पावर लॉसेस है, वो भी बढ़ेंगे, ठीक। तो लेंथ ऑफ द वायर, तो इन सबको अगर सम करें तो आर इक्वल्स टू बनेगा हमारा, रेसिस्टिविटी को रो से इंडिकेट करते हैं और लेंथ ऑफ द वायर को एल से, और जो थिकनेस है ना वो एरिया, तो रो मल्टीप्लाई बाई लेंथ डिवाइड बाई एरिया, क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ द वायर, ठीक है, ऑफ द कंडक्टर, कुछ भी लेकर चल सकते हैं। तो रो जो है वो डिपेंड करता है मटेरियल क्या है। अब सपोज करो इसको और थोड़ा सा डिटेल में जाते हैं, वन मीटर का वायर है, सेम थिकनेस, ठीक है, पर ये है गोल्ड का, सेम 1 मीटर का वायर है, ये है सिल्वर, 1 मीटर का वायर सेम थिकनेस का, ये है कॉपर, एल्यूमिनियम, आयरन, टंगस्टन, नाइक्रोम। तो अब इसमें जो गोल्ड है ये बेस्ट कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी का। बेस्ट कंडक्टर क्यों है, क्योंकि जो रेसिस्टेंस है इसका सबसे कम है गोल्ड का, तो रेसिस्टिविटी सबसे कम है, दैट्स वाई इसका रेसिस्टेंस सबसे कम है। सिल्वर की रेसिस्टिविटी गोल्ड से ज़्यादा है, कॉपर की सिल्वर से भी ज़्यादा रेसिस्टिविटी है, एल्यूमिनियम की कॉपर से भी ज़्यादा रेसिस्टिविटी है, आयरन की एल्यूमिनियम से भी ज़्यादा रेसिस्टिविटी है, टंगस्टन की आयरन से ज़्यादा रेसिस्टिविटी है, नाइक्रोम की टंगस्टन से भी ज़्यादा रेसिस्टिविटी है, ठीक है। तो रेसिस्टिविटी किस तरह मैटर कर रही है, अब इसको लाइन मुझ पर कभी सीधी नहीं बनती है, थोड़ा इस पर थोड़ा गड़बड़ हो जाता है, तो इसको सीधी लाइन, स्ट्रेट लाइन आई है ना, हाँ इस तरह आएगी। तो अगर ऊपर जाओगे तो कंडक्टिविटी, तो 1/ρ हो गया, सही है, और नीचे जाओगे तो रेसिस्टिविटी, तो ये रो, तो इंक्रीज हो रही है, सही है, तो 1/ρ इंक्रीज हो रहा है, सही है, और इधर नीचे जाओगे तो रेसिस्टिविटी इंक्रीज हो रही है, तो रेसिस्टिविटी इंक्रीज हो रही है, तो इसका मतलब है जब नीचे की तरफ जाओगे तो रेसिस्टेंस इंक्रीज हो रहा है। तो कहने का मतलब क्या इंक्रीज हो रहा है, रेसिस्टेंस, इधर रेसिस्टिविटी अगर इंक्रीज हो रही है तो रेसिस्टेंस इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। ऊपर कंडक्टिविटी, कंडक्टिविटी को इंडिकेट करते हैं सिग्मा से, सिग्मा इक्वल्स टू 1/ρ, ठीक है। तो ये है, तो अब इस पर न्यूमेरिकल करेंगे, तो रेसिस्टेंस जो है हमारा रो मल्टीप्लाई बाई एल डिवाइड बाई ए, इससे इंडिकेट करते हैं, तो ए है क्रॉस सेक्शन एरिया, रो है रेसिस्टिविटी ऑफ द मटेरियल, कौन सा मटेरियल यूज़ कर रहे हो, और एल जो है वो है लेंथ। तो ये सब, ये फार्मूला बना रेसिस्टेंस का, ठीक, चलिए इसको यहीं रोकते हैं।
अगर ये आपको पसंद आया है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें मेरा चैनल, शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ और कमेंट दें फीडबैक में। ऑलराइट, चलिए, थैंक यू।